कुछ अर्सा पहले जो है वो एक हमारे पड़ोसी कंट्री की जानिब से जो है वो चंद्रयान 3 मून मिशन हुआ था, जिसको अब इंटरनेशनली तौर पे जो है वो शिव शक्ति के लिहाज से जो है वो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मून लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति है तो फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि हाँ इसका नाम शिव शक्ति है, हम इसको अप्रूव करते हैं, हम इसको मानते हैं। भारत दुश्मनी है, भारत हमें खा जाएगा, भारत हमारा दुश्मन है, जबकि भारत के पास तो टाइम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद करे। नासा जैसी स्पेस एजेंसी उसका डायरेक्टर ये प्रोजेक्ट लेकर इंडिया में खुद जाता है, तो स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट हैं उनसे मुलाकात के लिए जाता है। ना सिर्फ झंडा लहरा दिया उन्होंने चांद पर अपना, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी का वहां पे नाम भी रख दिया। इंडियाज मुंबई is the new financial hub. Mumbai has more billionaires than the Beijing. जब तक भारत मसले कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कानून मुसलत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। हम अभी तक 76 इयर्स जब शुरू हुआ था, मैं कहले 1947 में ही बैठे हुए और भारत निकलकर 2024 में पहुंच चुका है। या तो पाकिस्तान धोखा खा रहा है या पाकिस्तान धोखा दे रहा है, ये नॉर्मल नहीं चल पा रहे सर। इनको धोखेबाज अफगान भी कहते हैं, इनको धोखेबाज भारत भी कहता है, इनको धोखेबाज ईरान भी कहता है, और ये अभी इतने बड़े नहीं हुए सर कि चाइना को धोखा दे रहे हैं, चाइना उल्टा इनको धोखा दे रहा है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने आपको पता है दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुजाकरात से इनकार कर दिए, वो हमसे मुजाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे उनसे हम देखेंगे। इस वीडियो में बेसिकली बात हो रही है, आपको पता होगा जब हमारा चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लैंड हुआ था चंद्रमा के लूनर पोल पे, तो उस पॉइंट पे जहाँ पर विक्रम लैंडर लैंड हुआ था उसको उस टाइम पे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था, और इसे आज दुनिया के बहुत सारे देश जो कि स्पेस पे काम करते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब बात यह है कि इसे क्या वो कंट्री एक्सेप्ट करेंगी, जो बेसिकली मैं आगे आपको बताऊंगा और वीडियो देखेंगे। आप पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चंद्रयान 3 का जो मून लैंडर है वो जिस जगह पर लैंड किया, यानी मून की वो लैंडिंग साइट, उसको नरेंद्र मोदी साहब ने उस जगह को यानी उस साइट को, ठीक है, लैंडर्स लैंडिंग साइट ऑन मून, उस जगह को नाम दिया था शिव शक्ति। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मून लैंडर्स लैंडिंग साइट को नाम दे दिया गया था, उसका नाम रख दिया गया था शिव शक्ति। तो देखिए, एक तो ये नाम ही अपनी उसमें एक अपनी मिसाल है, अपनी पहचान है कि उन्होंने उसका नाम क्या रखा, शिव शक्ति। आप ये देखिए पहले, इससे पहले कि मैं आगे खबर की तरफ बढ़ूं, जरा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि उनकी तरफ से यानी भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कोई भी जब किसी ऐसी जगह का, किसी ऐसी भी हम देखते हैं मंदिर का कहीं पर कुछ ऐसा हो, हम देखते हैं कि उनकी तरफ से जो नाम चूज किया जाता है वो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है। अब देखिए ना कि मून लैंडर साइट पर उस जगह का नाम शिव शक्ति रखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये नाम बहुत ताकतवर है, और आप जानते हैं लॉर्ड शिवा के हवाले से और शिव शक्ति की जब बात की जाती है तो उन्होंने उस जगह का नाम जो है वो शिव शक्ति रखा। अच्छा, अब हुआ क्या कि देखिए, एक ऐसी जगह पर, क्योंकि वो मून जो है वहां पर जो भी कंट्रीज इस वक्त स्पेस की दौड़ में शामिल हैं तो सभी वहां पर पहुंचना चाहते हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन जो साउथ पोल है आप जानते हैं वहां पर तो सिर्फ इंडिया पहुंचा है, चंद्रयान 3 पहुंचा है, लेकिन उस साइट का नाम इंडिया ने रख तो दिया, क्या पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती या सिर्फ इंडिया ही कहता रहता कि हाँ जी ये जो है ये जगह जो है हमने इस साइट का नाम जहां के पे चंद्रयान 3 जो है वो लैंडिंग साइट है वहां पे लैंड किया, हमने उसका नाम ना शिव शक्ति रख दिया, हमने रख दिया, अब कोई माने या ना माने। आपको पता है ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि इंडिया कुछ कहे और वो दुनिया ना माने, इंडिया जो कहता है वो दुनिया मान लेती है, तो इसको भी मान लिया गया। और कैसे माना गया वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ ये है कि इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU जो है वो एक वर्किंग ग्रुप है, प्लेनेटरी सिस्टम जो है
उसके हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, जो भी रिसर्च हो रही है, उसको जो है वो अप्रूवल देने ना देने का काम जो है वो करता है। अब कहीं पर कोई नाम इस तरीके से अगर रखते तो उसको अप्रूवल आना जरूरी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से। तो अगर तो इस प्लेनेटरी ग्रुप की तरफ से अप्रूवल नहीं आए तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ किसी कंट्री ने उसका नाम रख तो दिया लेकिन दुनिया ने उसको तस्लीम नहीं किया। ठीक है वो कंट्री खुद से कहता रहे, लेकिन इसमें जो है जब भारतीय वजीर आजम ने कह दिया उस जगह का नाम मून लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति है तो फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि हाँ इसका नाम शिव शक्ति है, हम इसको अप्रूव करते हैं, हम इसको मानते हैं। तो ये अपनी जगह पर एक बड़ी बात है कि वैसे तो मैंने आपको ये बोला कि भारत जो भी कहता है पूरी दुनिया मान, क्या मजाल के नाम रखा गया तो उसको मान लिया गया। इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब, और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स देन द बीजिंग और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। सो द रीजन बिहाइंड व्हाई इंडिया गेट्स टफ टाइम टू लंदन और टू इंग्लैंड इज बिकॉज इंडिया नोज इट्स वर्थ। क्या अगर हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी हैं, हमारे एक शहर के अंदर बिलियनियर ज़्यादा हैं या थोड़े से 4-5 का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती, ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उत्थे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेते हैं एंड दे गेट रिच देयर, दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया आपको पता है व्हाई अमेरिकन्स बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया, वन इज चाइना एंड सेकेंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे हैं भाई। दोस्तों जैसे कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस्लामिक कंट्रीज हैं, और जो बेसिकली आपको पता है कि अफगानिस्तान को तो चलो इस पे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, बेसिकली पाकिस्तान एक वन ऑफ द मोस्ट इंडिया से जो हेट करती है वो कंट्री है, वो क्या शिव शक्ति पॉइंट एक्सेप्ट करेंगी? बेसिकली सबको पता है कि शिव शक्ति मतलब आप समझ जाएं कि ये एक्चुअली में किससे कनेक्शन निकलता है, भगवान शिव जी से इसका कनेक्शन निकलता है। और ऐसे नाम जिनमें ऑब्वियसली भगवान शिव का नाम आ रहा है तो उसको तो इंडियन मुस्लिम एक्सेप्ट ना करें, पाकिस्तानी मुस्लिम की तो छोड़ो, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सेप्ट की जाएंगी बट पाकिस्तान नहीं करेगा। अब पाकिस्तान करे ना करे, पाकिस्तान कौन सा स्पेस की दुनिया में इतना बड़ा बादशाह है, बट इससे एक नैरेटिव सेट होता है कि पाकिस्तान भारत के लिए क्या सोचता है। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान का कोई बंदा था जो अभी करंट गवर्नमेंट में कुछ ऑफिशियल्स में, तो इंडिया जब वर्ल्ड कप 23 की हार से नहीं निकल पा रहा मैं, 23 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था, तो इस बहुत ये दुआ कर रहा था कि किसी तरीके से भारत ये वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाए। भारत वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया तो ये काफ़ी खुश हुआ। अब जैसे इसके फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि हम भारत के साथ ट्रेड चालू करना चाहते हैं, व्यापार चालू करना चाहते हैं, ट्रेड चालू करना चाहते हैं, तो इसने बोला बहुत अच्छी बात है, दोनों देशों को नफरतें भुलाकर इस तरीके की चीज़ नहीं। मतलब यार ये लोग जब भूखे मरने लगते हैं तो ये लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं। हमारे हिसाब से तो कोई ट्रेड वेड नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। पाकिस्तान के साथ सीरियसली कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। मोदी गवर्नमेंट ने इतने साल पाकिस्तान के बिना
सक्सेसफुली सब कुछ किया है तो पाकिस्तान के बिना ही करना चाहिए। आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शिव शक्ति पॉइंट को लेकर भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप देख सकते हो कि इन फ्यूचर अगर चंद्रमा में आज से 50 साल बाद चंद्रमा में अगर बहुत सारी चीज़ें पहुँचती तो एटलीस्ट हमारा वहाँ पर कुछ एक चीज़ रहेगी कि ये एरिया इंडिया को बिलोंग करता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा चंद्रमा है इंडिया को वहाँ आज से 50 साल बाद शायद 50 कंट्री भी ना हो जो वहाँ पर दावा करें, 5-6 कंट्री हो तो इंडिया को बिलोंग करता है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको क्या कहना है प्लीज़।